हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लेकर आ गए एक और तबाही से भरी गेम प्ले वीडियो, और इस मैच को भाई एंड तक देखना, क्योंकि इसमें जो सीन्स होने वाले हैं, मतलब स्टार्टिंग में तुमने तबाही का अंदाजा देख ही लिया होगा। तो फिलहाल गेम खेल रहा था मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, और फिलहाल के लिए आया था स्टेडियम पे, और यहाँ पे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ पे कोई बंदा नहीं आता। तो मैं गाड़ी वगैरह उठाता हूँ लूट करके सीधा, फिर यहाँ से गाड़ी वगैरह उठा के मैं सीधे सीधे जा ही रहा था सेंट्रल रोड से होता हुआ। यहाँ पे आज रेड जोन नहीं था, मतलब था, थोड़ा साइड में था, पर इतने में मेरे को सामने से फायर के साउंड आते हैं, और सामने पूरी पूरी स्क्वाड भी होती है। तो देखो बस बदल गया सामने, और बच गया, वरना सल्लू भाई वाले सीन हो जाते हैं, मतलब दोनों के दोनों बंदे बच गए। तो फटाक से गाड़ी इधर रोकता हूँ मैं, और अब देखो बस क्या होने वाला है। एक नॉक निकल जाता है और दूसरा बंदा स्पॉट होता है मेरे को। Enemy down. और दो बंदे नॉक हो चुके थे, मेरे को लग नहीं रहा था और बंदे होंगे, तो मैं फिनिश कर रहा था इन्हें, और ये दिखा मेरे को तीसरा बंदा। और भाई जब मैं गेम खेल रहा था, मेरे को पता नहीं था इसका एम असिस्ट, मेरा एम असिस्ट ऑफ था। Enemy. तो भाई सही में मेरा एम असिस्ट ऑफ था, मेरे को पता नहीं था। Enemy. Enemy down. तो जितने भी बंदे मैंने यहाँ पे निपटाए, अपने खुद के एन से निपटाए, और सामने के साइड मेरे को और बंदे स्पॉट होते हैं, तो मैं फटाक से आता हूँ इधर, और फायर वगैरह आ रही थी, और ये रेड जोन को सुनने देता हूँ। सुनाओ ना भाई, देखो बंदे स्पॉट हो चुके थे मेरे को, तो मैं प्रोन होता हूँ, और कुछ बुलेट कनेक्ट होती हैं उसे, और बहुत बहुत ये वाला बंदा बहुत लेट है। Enemy down. Enemy. तभी वो कुछ बुलेट्स में नॉक हो जाता है, और ये भी अब लेट हो चुका है। Enemy down. तो दो बंदे नॉक्स में हो गए थे वहाँ पे। तो मैं फटाक से गाड़ी उठाता हूँ, करते हैं सीधा रशियन के ऊपर। मैं थोड़ा घुमा के लाता हूँ गाड़ी, और बंदे ने उन्हें से दोनों को रिवाइव दे दिया था, और मैं आता हूँ जैसे ही। जी हाँ, मेरे पे फायर करने लगते हैं, तो सबसे पहले मैं कवर की साइड भागता हूँ, पीक करके मारने की ट्राई किया, पर इधर से बात नहीं बनी, तो इधर से पिक करके मारता हूँ मैं, और भाई बहुत बढ़िया, एक नॉक हो जाता है यहाँ पे, और enemy down. ये इनका इन्हीं की स्क्वाड का बंदा था, वो कवर फायर दे रहा था, तो इसे भी नॉक निकालता हूँ फटाक से मैं, और फिनिश भी डाल देता हूँ मैं साथ ही साथ, क्योंकि जी हाँ, क्योंकि उधर वो रिवाइव हो सकता है, तो इतना डैमेज मैं दे चुका था। इसके बाद मैं एक नेड कुक करता हूँ वहाँ फेंकने के लिए। नेड को फेंक के उसे डैमेज जाता है हल्का सा, वो बंदा भी देखो अब यहाँ पे एक बग्गी आती है, ये सारा सीन खराब कर देगी भाई। तो एक और नेड फेंकता हूँ मैं वहाँ पे, और ये जो बग्गी आ रही है ना, देखो क्या होता है, एनिमी एक आध बुलेट लगी इसे, और वो पेड़ वाले बंदे ख़त्म हो चुके हैं। एनिमी बहुत बहुत लेट हो चुका है ये बंदा भी, तो मैं इस पर घुस जाता हूँ, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा लेट में कर चुका था, और ये बोट भाई परेशान कर रहा है। Enemy down. पहले इसी की पेटी बनाता हूँ, फटाक से गन रीलोड करता हूँ मैं, और ये बंदा भाई देखो नेड कुक करता है, मैं गन्स वगैरह रीलोड करके जाता हूँ उसके ऊपर, और भाई नेड फेंका उसने, तो सबसे पहले मैं साइड भागता हूँ, और इसके बाद आपको पता है क्या हुआ, स्टोरी की टोटली साइड, तो उसके बाद मैं जस्ट अगला मैच लगा देता हूँ, और मैच में आ रहा हूँ हेडिल के अंदर, और आते ही सबसे पहले मेरे को गन वगैरह मिल जाती है, एक बोट में निपटाता हूँ, और अब बंदे देखो बस यहाँ पे कितने आए थे, और जब यहाँ से मैं निकलूँगा ना, मेरे किल्स देखना बस तुम। तो गन्स वगैरह मिल गई थी मेरे को बाहर से, पुलिस के बाहर से, तो मैं देखता हूँ ये बंदा स्पॉट होता है, तो इसे फटाक से नॉक डालता हूँ मैं, और भाई मैं कवर में भागता हूँ, क्योंकि एचपी देखो मेरी आधी से ज़्यादा कम होती है, और ये बंदा भाई ये बंदा मेरे को मार सकता है, और बहुत बढ़िया मैं निकल जाता हूँ उधर से, और यहाँ से एक मेडिकेट भी मिल जाती है, तो मेडिकेट ही मारते हैं सीधा, और फिर देखते हैं इसे। तो जैसे मेरी मेडिकेट लगती है मैं जाता हूँ उसे देखने, और बंदा आता है, और भाई एंड में ड्रॉप शॉट दे दिया, वरना ले जाता भाई बंदा, मैं एचपी देखो। उसके बाद बाकी और बंदे आ चुके थे यहाँ पे, बट इस टाइप की आवाज़ आ रही होगी आप सभी को, तो यहाँ से मैं हीलिंग वगैरह करता हूँ फटाक से, और फिर यहाँ से भी निकलता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये बायसेंस है तो कुछ होने वाला है नहीं, तो मैं बाहर की साइड जाता हूँ, थोड़ी बहुत गन वगैरह उठाता हूँ, और फिर देखते हैं ना। तो इस बंदे की मैं क्रेट लूट रहा था इधर आराम से, और जैसे ही मैं लूट रहा होता हूँ,
यहाँ से कैम स्कारल मिल चुकी थी मेरे को भैया। ये बंदा मेरे को डैमेज देता है तो यहाँ से फिर से मेरे को भागना पड़ेगा। दो दो बंदे पीछे पड़ चुके हैं देखो। तो सबसे पहले मैं घर पे निकलता हूँ, यहाँ से जंप करके इधर आता हूँ और घुस जाता हूँ सीधे। और यहाँ पे बैठ के थोड़ी बहुत डीलिंग वगैरह करता हूँ। बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी ना, तो ये मेरे ऊपर रश कर रहे थे और भाई मैं क्यों ही जाऊँ दो बंदे के ऊपर। इतने में बगल में ड्रॉप गिरता है और उस ड्रॉप पे बंदे गाड़ी वगैरह लेके इसे लूटने आते हैं। और तो एक को तो मैं और ये गया दूसरा बंदा भी। तो यार लाइक कर सकते हो आप इस चीज़ को देखने के बाद। और अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हो तो अच्छी लगी रही यार, कर दो भाई लाइक। पैसा नहीं लगता है लाइक करने का, तो लाइक कर दो। और उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ी बहुत लूट वगैरह तो नहीं करता, मतलब पहले इन बंदों को ही देखता हूँ। और वो बंदा ऊपर की साइड जा चुका था, तो तुम्हारा भाई भी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाता है और चलते सीधा घर के ऊपर। तो इधर आ जाता हूँ, मेरे सामने पे बंदा लेटा है, देखो आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिख चुका था। तो मैं एक मॉली टॉस करता हूँ और इससे उसे जल जाना चाहिए। और फिर इस कारण निकालते हैं और देखते हैं। बहुत बहुत लेटा है बंदा, तो मैं स्प्रे देता हूँ खड़े हो गई। और एट दी एंड से दो तीन बुलेट्स कनेक्ट हो ही जाती हैं, तो ये भी निपट जाता है। अब मैं यहाँ से थोड़ी बहुत लूट वगैरह करता हूँ, मेरे को ग्रोजा वगैरह मिल जाती है और फिर मैं निकलता हूँ सीधा आगे के लिए। तो मस्त गन वगैरह मिल चुकी थी मेरे को, M4 और ग्रोजा मिल चुकी थी। तो उसके बाद मैं इस घर पे आता हूँ, मतलब देखने यहाँ पे कि बंदे थे या नहीं। तो मेरे को वहाँ पे एक बंदा हल्का सा स्पॉट होता है जब मैं ऊपर चढ़ता हूँ, तो मैं पिक वगैरह करके देख रहा था और भाई वो स्पॉट मतलब शक्ल नहीं दिखा रहा था, तो मैं बोट फायर देता हूँ। अब बंदा शक्ल दिखाता है इस खिड़की से और तुम्हारा भाई का स्प्रे देखना, क्या ही लेजेंड स्प्रे जाता है। तो स्कोप वगैरह चेक कर लेते हैं पहले, और अब दिखाता है बंदा शक्ल, तो देखो बस क्या स्प्रे जाता है। जी दिखाई बंदा ने शक्ल और भाई लगभग इसे सारे हड्डी लगे। तो इसके बाद ये नॉक हो जाता है, मैं करता हूँ इन पे सीधा रश। दो बंदे थे वहाँ पे मेरे को पता था, और उसके बाद मैं घुस जाता हूँ सीधा। पर जब तक मैं पहुँचता हूँ वो रिवाइव हो चुका था, देखो अभी आपको दिखेगा जैसे मैं स्की करके यहाँ जा रहा था। ये भागे बंदे ऊपर की साइड, तो मेरे को पता चल चुका था कि रिवाइव तो हो गया, पर अभी मेरे को एक वापस से नोक निकालना पड़ेगा। भाई जिसने उसे रिवाइव दिया था मैंने उसे नोक किया, और जिसकी हीलिंग कम थी वो वापस से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आके मेरे को एक फर्स्ट एड मारनी पड़ती है और फिर जाते हैं ऊपर। तो फर्स्ट एड में ही लग चुकी थी, अब देखते हैं बंदे को। तो लाइक कर सकते हो यार, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कर दो लाइक। उसके बाद अब ज़्यादा बंदे बचते नहीं है, एक आखिरी बंदा बचता है तो उससे फाइट होती है। और देखो बस कैसे ही चिकन निकाल देते हैं। तो आखिरी का एक बंदा बचता है भाई, मेरे को नहीं पता है 6x मतलब 3x कहाँ से आया ग्रोजा पे। तो अब देखो यहाँ पे स्कोप का क्या ही झंझट होता है, मतलब मैं कंप्लीट कितना लगा था। चलो आखिरी बंदा बहुत लेट हो चुका है, और भाई ये बंदा जोन के बाहर ही मर जाता है, तो किल भी नहीं देखेगा यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं मिलता हूँ सभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।